400 साल से इसको आग नहीं लगी? नहीं, ये तकरीबन 70 साल पहले लग चुके हैं सर। अच्छा, लग चुकी। Inside a tree, 400-year-old tree, maple tree, जिसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सर ये बारादरी है। बारादरी से पहले सर आप इस ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये जो ट्री आप देखें सर, ये मेपल ट्री है। इसकी जो लीफ है कनाडा के फ्लैग में भी है, बिल्कुल मेपल लीफ। इसको प्लेन ट्री भी कहा जाता है, इसको किंग ऑफ द ट्री भी कहा जाता है, इसको मतलब ये इसको पर्शियन लैंग्वेज में इसको चिनार भी कहा जाता है सर। चिनार का मतलब होता है ची, मतलब कैसे, हाउ, एंड नार मीन्स आग। इसको कैसे आग लगते हैं? इसको इसलिए आग लगते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होता है। बिल्कुल। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर जो है ना हीटअप होते हैं, प्रेशर बिल्ड होते जाएंगे। सो कैच फायर फ्रॉम इनसाइड, तो वो आग लगनी शुरू हो जाती है। सर यू कैन सी, आप देख सकते हैं अंदर से पूरा होलो हो चुका है। अंदर से होलो है? यस सर, अंदर से बिल्कुल होलो हो चुके हैं। खोखला है अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल खोखला है सर, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये अहमद भाई कितने साल पुराना दरख्त? ये 400 years old है सर। ये भी 400 साल पुराना है। ये दरख्त भी 400 साल है सर। What an amazing piece of nature. Wow. ये आप देखिए सर, बिल्कुल होलो हो चुके हैं। अंदर जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं सर। यू कैन गो इनसाइड सर। जबरदस्त, लेट्स ट्राई इट आउट। काइंडली वॉच योर हेड, सर बचा के आप जा सकते हैं अंदर जो। अच्छा, ये आपने बताया कि इसके अंदर चूंकि हाइड्रोजन गैस होती है और विद टाइम जो है इसको आग लग जाती है, बट 400 साल से इसको आग नहीं लगी। नहीं, ये तकरीबन 70 साल पहले लग चुके हैं सर। अच्छा, लग चुकी है, लेकिन इसीलिए तो होलो हो चुके हैं सर। ओ, तो आग की वजह से ये थोड़ा थोड़ा सा झड़ जाता है। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल उस तरह से। इट्स लाइक के जिस तरह सिगरेट को, यस बिल्कुल, कागज जिस तरह से जलता है, उस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियरेट करता है, जलता है। उस तरह से नहीं जिस तरह किसी बुश को आग लग जाए या किसी और चीज़ को, मतलब इसको जो है ना सर। वाओ, ऑलराइट, अंदर जाके ट्राई करते हैं। थैंक यू सर, जाके आराम से। Inside a tree, यहाँ से एक outlet है इसकी। Wow, 400-year-old tree, maple tree, जिसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बिल्कुल एक चमत्कार है, एक अजूबा है ये कुदरत का। Wow. Fascinating. ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा हो गया। सर ये आप देखें, बारादरी कहा जाता है इसको। बारादरी का मतलब होता है 12 दरवाजे, बट यहाँ पे 12 दरवाजे नहीं है, 12 पिलर्स हैं। पिलर्स हैं। इसके जो बेस हैं सर वो ओरिजिनल है, बट ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, इसको हमने नया बना दिया। 1999 में इसको हमने दोबारा बना दिया सर। और उस वक्त के जो राजा साहब पोलो खेलते थे सर, पोलो मैच के बाद आग के जो है ना यहाँ पे बीच में रिलैक्स करते थे वहीं पे, और नेक्स्ट राउंड के बारे में जो डिस्कस करते थे यहाँ पे। तो ये जो है ना, आप यू कैन सी, आप देख सकते हैं। तो 12 पिलर्स हैं इधर? जी सर, 12 पिलर्स हैं सर। राइट, और राइट। ये जो अभी जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो बेंच वगैरह उस वक्त नहीं होते थे। उस वक्त नीचे जो है ना जमीन पे बैठते थे यहाँ पे जो है ना, तो इसको जो है ना 12 दरी कहा जाता है सर। बाकी यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप देखिए पिक्चर भी लगे हुए हैं, बट उस वक्त पे जो है ना कैमरा वगैरह नहीं होते थे सर। उस वक्त ये स्केच बना हुआ था, बट स्केच है? जी, बट उसको हमने बाद में कंप्यूटराइज किया सर इसको। वाह, ये स्केच था बिल्कुल सर। वाह, तो चारों कोई इस वक्त ये तस्वीर देख के
आई डोंट थिंक यकीन करेगा कि ये पिक्चर जो है असल नहीं है, ये स्केच है. ऐसे लग रहा है कि कोई 1950s या 60s की कोई पिक्चर है, बट ये एक्चुअली 400 साल पुरानी एक स्केच है जिसको कंप्यूटराइज तरीके से पिक्चर में कन्वर्ट किया है. भाई वाह. आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके. देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान.